हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर अशोभनीय टिप्पणी करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए हिंदू वाहिनी संघ की महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष रागी शुक्ला के नेतृत्व में राज्यपाल को संबोधित जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। हिंदू वाहिनी संघ की महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष रागी शुक्ला ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य समय समय पर भिन्न भिन्न मंचों से हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर गलत व अशोभनीय टिप्पणी करते रहते हैं। इससे हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की आस्था को ठेस पहुंचती है। मेरा बस यही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर कार्रवाई की जाए। उनका जब मन होता है वो अपना टिप्पणी कर देते हैं। हम भी हिंदू हैं। अगर हम अपने ग्रंथों के लिए और अपने देवी देवताओं के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा हिंदू होना बेकार है। हमारे हिंदू, हम कलंक है हिंदू के नाम पे। अभी कुछ समय पहले उन्होंने लक्ष्मी जी को काल्पनिक बताया, तो ये चीज़ें हम कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे? कैसे चलेगा ये? हम लोगों को जागना पड़ेगा, हमको भी बोलना पड़ेगा। मैं बस यही चाहती हूँ कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो। आगे फिर हम देखेंगे जो भी कर पाएंगे अपने स्तर से। मजिस्ट्रेट साहब को हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं अपना। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।